यहाँ हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं आय विधि द्वारा, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। मैंने आपको बताया है कि तीन विधियाँ हैं, देर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। द फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, द सेकेंड इज इनकम मेथड, द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले जो ये नेशनल इनकम वर्ड है, ये कौन सा एग्रीगेट देता है, इस एग्रीगेट को कहते हैं हम लोग NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम इनकम मेथड करते हैं, इनकम मेथड के सारे कंस्टिट्यूएंट को ऐड करते हैं, तो वो आपको NDP at FC देता है। NDP at FC पहले कैलकुलेट कर लीजिए, इट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, और NDP at FC को आप कन्वर्ट कर लीजिए NNP at FC में। एंड यू नो हाउ दैट कन्वर्शन इज डन, NDP at FC है, उसको NNP FC में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक बेसिकली सारा कुछ सेम है, इस डी को कन्वर्ट करना है एन में, ये डी है डोमेस्टिक, ये एन है नेशनल, तो आप क्या करेंगे NFIA ऐड कर देंगे। अब आइए देखते हैं क्या कंस्टिट्यूएंट हैं। इनकम मेथड के लिए आप सबसे आसान एक कोड याद रख लीजिए, कोड क्या है, कॉम, COM, कॉम। ये सी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ओ क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। ये एम क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नॉर्मल समझिए, ये आपका परिश्रम कमा रहा है, ये आपका पैसा कमा रहा है, और ये है कि इधर उधर जहां तहां से जो कुछ भी पैसा आपको मिल जा रहा है वो पैसा है। सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब सी के कंपोनेंट क्या है, वेज एंड सैलरी, वो आपको कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है। आप मेरे यहाँ काम कर दिए, हम आपको या तो कैश दिए या बदले में चावल गेहूँ कोई दूसरी चीज़ दे दिए। वेतन तथा मजदूरी, वो नकद भी हो सकती है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS, जिसके यहाँ आप काम करते हैं, अगर आप परमानेंट स्टाफ हैं तो आपको पता है PF कटता है, PF कटता है, तो उसमें जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं उतना आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। इसका हिंदी क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों या नियोक्ताओं का अंशदान योगदान। ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। अब इसमें इसके दो हेड हैं, पहला क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, किराया, लगान, रॉयल्टी, ब्याज। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या क्या आ जाता है, बेसिकली प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को ही कई बार तो सीधा सीधा प्रॉफिट लिख देता है, अगर प्रॉफिट नहीं लिखा है तो उसको कैसे लिखता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, अगर न्यूमेरिकल बनाते वक्त अगर आपको सीधा सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, मान लीजिए वो 5,000 दे रखा है और फिर कहीं पर वेज लिखा हुआ है 200 रुपया, तो जब ये सी दे दिया तो फिर सी के अंदर ही वेज आता है, आपको उस वेज को कैलकुलेट नहीं करना है। और ये एम क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तो इस तरीके से आप पहले कॉम कर लेंगे, कॉम करेंगे तो क्या आएगा, NDP at FC, NDP at FC को नेशनल इनकम बनाने के लिए क्या करना है, NNP at FC में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना होगा, जिसके लिए NFIA ऐड होगा। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये हमारे पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है कि ये कैसे क्या होता है, कैसे निकलता है। अब हम लोग इसके आगे जो है वो एक्सपेंडिशन मेथड के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे।